इधर भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। उधर पाकिस्तान में कोहराम मच गया। जी, ख्याल में मिस्टर स्पीकर खुर्शीद शाह साहब जी, पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। आखिर भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमान 70 किलोमीटर भीतर तक कैसे घुस आए? सवालों की झड़ी लग गई प्रधानमंत्री इमरान खान पर, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर। जी, मेरे ख्याल में मिस्टर स्पीकर खुर्शीद शाह साहब जी, मिस्टर स्पीकर मैं अपने हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बुर्दबाना तरीके से अपने अपोजिशन के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शेम हम न करें। प्राइम मिनिस्टर खुद आज आके इस हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, आके ब्रीफ करें और ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर स्पीकर हमें 4 दिन बाद 2 दिन बाद, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी कॉल्ड इमीडिएटली। पाकिस्तान शून्य बट्टा सन्नाटे में आ गया। पीएम इमरान खान ने आनन फानन में कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई, सांसद का संयुक्त सत्र बुलाया, सेना प्रमुख से मुलाकात की, दूसरी ओर विरोधियों का प्रहार जारी रहा। कल हुकूमती एक मेंबर थे, उन्होंने बयान दिया, वो सुषमा स्वराज से मिलके आए थे कि जी 2-3 दिन में जो है खुशखबरी आएगी, 2-3 दिन में खुशखबरी आएगी, ये खुशखबरी आ गई। जनाब बेला, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। खुदा के लिए हमारी तरफ से खुर्शीद शाह साहब बोल रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, हमारी इस तावन की जो पेशकश है उसका खैर मकदम करें। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना के विमानों ने LOC पार किया। भारत के इस पराक्रम से पाकिस्तान थर्रा रहा है। पाकिस्तान के लोगों का अपनी फौज से, अपनी वायुसेना से, अपनी सरकार से भरोसा उठ गया। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो जवाब क्या आया, पहले ये सुनिए। आप इसको हमला तसव्वुर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती। ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है, और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। अब तो खुद पाकिस्तान की आवाम अपने प्रधान इमरान से पूछ रही है कि आपने हमें धोखे में क्यों रखा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इमरान खान अब दुहाई दुहाई चिल्ला रहे हैं, उनके विदेश मंत्री दुनिया भर में फोन घुमा रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं।